उधम सिंह नगर के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक गैर सरकारी संस्था आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाने में जुटी है। इन भवनों में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। किच्छा तहसील के पक्की खमरिया गांव में निर्मित मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र भवन का लोकार्पण किया गया। स्थानीय और ग्राम प्रधान, जिला कार्यक्रम अधिकारी और गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि गैर सरकारी संस्था द्वारा 80 केंद्रों पर क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए लघु 4 करोड़ की धनराशि देने की स्वीकृति की है। उन्होंने बताया कि इन भवनों में बच्चों की हर सुख सुविधा मौजूद है, इससे छोटे बच्चों का आकर्षण आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति बढ़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये एक मॉडल केंद्र के रूप में डेवलप किया गया है और इसमें जो शिक्षा नीति है 2020 की भारत सरकार की, उसके अनुसार एक जो है मॉडल के रूप में नर्सरी के को ध्यान में रखते हुए, जहां से बच्चे इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे, जो बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन ले सकेंगे। संस्था की प्रतिनिधि गीता डोबरियाल ने बताया कि हमारा प्रयास है कि बच्चों का सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति आकर्षण बढ़े, जिससे कि शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार होगा। जो ये आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किया गया है, इसका जो मुख्य आकर्षण है, आप देख रहे होंगे कि वॉल राइटिंग्स हैं और बच्चों के खेलने के लिए उनको खिलौने हैं, बैठने के लिए सुंदर कुर्सियां, मेज, झूले वगैरह सारी सुविधाएं। एक तरह से इस आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चों का आकर्षण केंद्र बनाने की कोशिश की गई है। पक्की खमरिया के ग्राम प्रधान रिंकी कौर का कहना है कि संस्था द्वारा हाईटेक आंगनबाड़ी केंद्र में नए नए माध्यम से शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, ताकि बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। प्ले स्कूल है, ये हाईटेक प्ले स्कूल है, ये बच्चों के लिए उदाहरण है कि यहाँ पे आए और यहाँ पे किस तरह से नई नई चीजों से कैसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, उनका मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत अच्छा है। इसमें बच्चों को खेल कूद के साथ कैसे खेल खेल में पढ़ाई सिखाई जाती है वो बताया जाता है। अगर यहीं से नींव बच्चे की अच्छी होगी तो वो आगे अपना फ्यूचर में अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे जाके अच्छा ही बनना चाहेंगे। अभिभावक दीक्षा अरोड़ा का कहना है कि बच्चों को शिक्षा के तरफ आकर्षित करने के नए नए तरीके अपनाए गए हैं। पूरी वॉल पेंटिंग कराई गई है, जिससे कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से ही बच्चे पढ़ सकें। बहुत ही फायदा हुआ है, आजकल देखो आंगनबाड़ी के इतना सुंदर पेंटिंग टीम्स है, जिससे बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट, बच्चे भी आंगनबाड़ी में भाग भाग के जा रहे हैं कि कितनी फैसिलिटी भी है, चीजें भी मिलती है, खाने को टॉयज आए हैं बच्चों के लिए और बहुत ही सुंदर टीम्स है मॉल में बनी हुई है जो, और बच्चे इससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लाभार्थी बच्चे की मां कमला का कहना है कि नया भवन बहुत अच्छा बना है, पहले बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने से बचते थे, अब बच्चे खुद आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने के लिए कहते हैं। मेरे से बच्चे को अच्छी नॉलेज मिलती है, टॉय के द्वारा बच्चों को खेलना, बच्चे बैठना सीखते हैं, खाने की चीजें इसलिए मिलती है, बच्चे आंगनबाड़ी स्कूल में आना जाना सीखे, बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित।